भी हमको जीवन में हमारा बहुत महत्व है। गुरु का स्मरण करेंगे। आज हमारे गुरु है भगवान कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण का एक श्लोक है, वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु। पूरे जगत के गुरु जो है वो कृष्ण भगवान है। तो भगवान कृष्ण का गुरु स्मरण करके भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुः गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान मूलं गुरुर मूर्ति पूजा मूलं गुरुर पदम् मंत्र मूलं गुरुर वाक्यम् मोक्ष मूलं गुरुर कृपा। अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण करते हुए उस उपाय पर फूल चवन गुरु चरण मले भ्यो नमः। अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि। ताए हाथ में फिर से थोड़ा सा चावल ले लीजिए। नमस्कार जहाँ मैं बोलूंगा वहीं सब हम नमस्कार करेंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसी हमारी मान्यता है कि हमारे शास्त्र में 33 करोड़ देवता है। जहाँ नमस्कार का उच्चारण करेंगे वहीं नमस्कार करेंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम इष्ट देवता प्रियो नमः। ओम कुल देवता प्रियो नमः। ओम ग्राम देवता प्रियो नमः। ओम स्थान देवता प्रियो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मातृ पितृ गुरु चरण कमले भ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो गौ ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतत् कर्म प्रदानाय भगवत्यै सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सिंहारूढाय श्रीमन् महाकाले महालक्ष्मी महासरस्वती राजराजेश्वरी अशरण शरणाय कोटिकात्यायने दुर्गा देवताय महालक्ष्म्यै नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु निर्विघ्नमस्तु। सभी को गणेश जी का स्मरण करना है और ओम गं गणपतये नमः। मैं आपको मंत्र बोलाता हूँ, वो मंत्र आपको बोलना है ओम गं गणपतये नमः। ये मंत्र गणेश जी का है। इस मंत्र में इतनी शक्ति इतनी ताकत, लड़के जब तुरंत वो पाठ करे तो विद्यार्थी लभते विद्या। आगे हम स्तोत्र पढ़ेंगे भगवान गणेश जी की। विद्या के ज्ञान के जो दाता है वो भगवान गणेश जी है। सभी शास्त्रों जो भी है सरस्वती शारदा ने लिखन काम भगवान गणेश जी ने किया है। तो बुद्धि बताओ वरिष्ठ जैसे हनुमान जी है, गणेश जी पूरे बुद्धि के ज्ञान दाता है। चार चीज हमको गणेश जी देते हैं, विद्या भी लभते विद्या, जिसको विद्या की प्राप्ति हो उसको विद्या। धनार्थी लभते धनम, जो धन की इच्छा वाला हो उसको धन। पुत्रार्थी लभते पुत्रा, लग्न के बाद यदि पुत्र इच्छा तो पुत्र देने वाले भी गणेश जी। और मोक्षार्थी लभते गति, हमारे जीवन में गणेश जी की जितनी उपासना हो, क्योंकि देवी पुराण में एक बात बताई कलौ चंडी विनायक। कलियुग में चंडी यानी शक्ति विनायक गणेश प्रत्यक्ष शक्ति प्रत्यक्ष देवता है। आप जितनी उपासना ज्यादा होगी जीवन में उसका चमत्कार उसका कुछ न कुछ भगवान की प्रतीति अपने जीवन में हम पाएंगे। तो आप सबको ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः के मंत्र का उच्चारण करना है। ध्वादशैकानि नामानि व्यपठेत् शृणुयादपि
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदरन्ते वंशशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अपेक्षितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्वरासुरै सर्वविघ्नहरस्तसुरै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गला येषां तृतीयस्त भगवान् मङ्गलाय तनौ हरे तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रिवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनौ यत्र योगेश्वरकृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवानेतिर्मतिर्मम सर्वेष्वार्थकार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वरा देवादिसन्तुनस्तिथि ब्रह्मेशानजनार्दना विनायकं गुरुं वानौ ब्रह्मविष्णौ महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च निष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सभी भक्त बोलेंगे मम सर्व कार्य अर्थ सिद्धये भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं हे भगवान राधा कृष्ण हे महालक्ष्मी जी हे गणेश जी हम जो भी धर्म कार्य करेंगे उसके पीछे हमारा जो भी पैसे का जो धन खर्च होगा वो खर्च के बारे में हमारा सफल मनोरथ हमारा परिपूर्ण हो ऐसे भाव से जो आपने चावल है उसको परिपूर्ण सभी को बोलना है ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। जब भी हमारे शास्त्र में बताया कि कोई पर पूजा हम करेंगे तो पूजा करने से पहले हमको देवो भूतवा देवा कहते हमको देव बनकर देव कार्य करना है क्योंकि कलयुग में हम जहां भी पैर रखते वही हमारे कुछ न कुछ पाप होता है तो पहले हम देव शुद्धि प्रायश्चित मन वचन कर्म से हमारे शरीर में कई प्रकार के पाप होते हैं। 24 घंटे में हम कई निंदा कई कुछ न कुछ बातें ऐसी हमारे जीवन में होती रहती है कि इससे हम छूट नहीं पाते आप और मैं कभी तो उसमें से छूटने के बाद ही हम पूजा के अधिकारी बन सकते हैं। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जितना हो इतना प्रयत्न ऐसा होता है कि काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर हमारे शरीर में ये 6 शत्रु है और हम किसी की ना निंदा करेंगे किसी की ना ईर्ष्या करेंगे। आज ऐसा है कि कई मन जो मानसिक शरीर से जो दुर्बल होता वो मानसिक पाप होता है जो शरीर से स्वस्थ है वो शरीर से किसी न किसी को पीड़ा देते हैं और कई भगवान किसी को अच्छी वाणी दी है कभी तो कुछ ना कुछ तुम भगवान का भजन करो कुछ समाज का काम करो वो ऐसे नहीं करते यदि उसको दूसरे को पीड़ा देने की इसके वाणी से माफ करना कई लोगों की ऐसी वाणी होती है वो अग्नि समान होती है अग्नि जैसे काष्ठ को जला देती वैसे ही वो अग्नि ऐसी है वो अपने को बोलेंगे तो अपना बस्ती कितना वो प्रतिशो कर दे भगवान ऐसे ऐसे गुरुजन से इसलिए रामायण में तुलसीदास ने एक बात बताई दुर्जनम प्रथमो मंदे कही सज्जनम तदनंतरम
तो जैसे हमको पता ही है कि ये क्रिया कारक है, 18 शास्त्रों में हमारी दो चीज बताई, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्रयम्, दो चीज परोपकाराय पुण्याय, हमारे से परोपकार हो पुण्य, पापाय परपीडनम्, दूसरों की जो पीड़ा करेंगे वो पाप समान। तो कई प्रकार से हमारा शरीर में जो पाप हुआ है, न खाने की चीज खाई, न पीने की चीज पी, न जाने की जगह पर हम गए, हमको पता नहीं। कई लोग बोलते हैं हम पाप करते ही नहीं, भाई आप जैसे सर्टिफिकेट लेके वही नहीं आए हो, तो जैसे युधिष्ठिर आज तक ही युधिष्ठिर हो, हम तो बोलते हैं हमारी हजारों गलतियां होती है, भगवान के आगे बैठे भगवान की सेवा करते, फिर भी बोलते हम क्या एक्सेप्ट करते, कुछ ना कुछ, कोई नहीं बोलता, नहीं बोलते ठीक है बात नहीं, बाकी सबसे कुछ ना कुछ, हाँ उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। यदि हम प्रायश्चित अंतःकरण से करते हैं तो आज भी भगवान हमको मुक्ति देते हैं। लेकिन गुप्त का महाराज शास्त्र बताए, बोले हम कोई दान तो दे, लेकिन हमारी बड़ी शक्ति एकदम दूर से दूसरों को सुनाई दिखाई पड़ेगा, भाई ऐसा कोई 5 लाख डॉलर दे दिया है, 10 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर दे दिया है, लेकिन हमारा नाम क्या होना चाहिए? अब नाम में क्या रखा है? जिस राम नाम से हमारा कोई संबंध है, क्या हम सब बैठा है तो भगवान राम क्षत्रिय थे, या हमारे वंशज भगवान को राम, राम को राम ही भगवान, लेकिन हमारा ब्लड रिलेशन हो, फिर भी आज हम किसी ने राम देखा है, राम राम बोलते आए तो पता नहीं चलता तो राम भगवान थे, आज भी हम पता है कि राम सत्य और कुछ ना कुछ हम बोलते हैं, जो हमारी तीसरी पीढ़ी शर्म थी, आपके फादर और फादर के फादर, फादर के साथ तीसरी पीढ़ी, हम शायद पता हो तो हो, अगर नहीं पता होता क्यों भाई, हमारा कोई ब्लड रिलेशन तो संबंध तो है ही, क्यों हम भूल गए? क्योंकि हम इंसान है, इंसान के शब्द में जो भी है वो शब्द में इतनी ताकत नहीं है, वो सीमित ताकत है, वो राम शब्द उसकी इतनी ताकत है, इसीलिए तो बोलते हमारे गुजराती बोलते राम नाम की पत्थर करी है, राम नाम से पत्थर भी कर जाते हैं। तो बात ऐसी है कि हम भगवान से आगे बैठे हैं, पहले प्रायश्चित करेंगे देव शुद्धि, किसी को न बताना है, जो भी अंदर से पाप हुआ है भगवान के चरणों में सब को छोड़ दे, भगवान के सभी पाप तेरा हम सब भगवान तेरा चरणों में छोड़ देते हैं, और आज से हम ऐसे इतना प्रयत्न करेंगे ना हो सके, कई जगह पर दान मंदिर में गुरुद्वारा में दान देने वाले देते हैं तो कई हमारे से कहते हैं कोई नहीं देना ही, कुछ रखो दिया, अब वो दान देता है फिर भी हम हमारे झेपे से द्वारा नहीं देते, जो देता है उसको हम ना बोल देते कई बार, अभी ऐसा हो तो थोड़ा सा मन में अपना अपने जीवन में आसुरी वृत्ति आ जाए तो थोड़ा सोचे रावण कहीं कहीं घुस रहे हैं, ऐसी कपट नीति आ जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मगज में ले लेना तो शकुन निकाल घुस रहे हैं, किसी को पर पीड़ा सोचने थोड़ी आ जाए, कोई पीड़ा किसको देना है तो सोचना कि शरीर में कई जगह पर दुर्योधन घुस, बस वही बात है। तो भगवान के आगे बैठे हैं, चम्मच में जल रखा है, प्रायश्चित करना है कि भाई हमारे से जो पाप और सभी पाप दूर होकर हम नए साल में पूरा साल हमारा ऐसा हो कि तंदुरुस्ती, अच्छी लक्ष्मी, अच्छा स्वास्थ्य और पूरा परिवार का कुटुंब का कल्याण हो, ऐसा हम संकल्प रखते हैं। इस अच्छी जैसी जितनी अच्छी भाई होगी ना, जैसा काम होता है ये संकल्प ये फाइल रखनी, क्योंकि तो हम भगवान के आगे रखते हैं कि पूरा वर्ष हमारा साल अच्छा रहे। ओम विष्णु नमः विष्णु नमः विष्णु श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य सत्य ब्रह्मणा द्वितीय परावर्तते श्री श्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे ब्रिटिशकोलंबिया प्रदेशे कनाडादेशे भगवतः श्रीराधा कृष्णकर्णसन्निगौ दुर्गा मारुतिगणेश महारुद्र चरणसन्निगौ मासानामुत्तरे मासे पुण्यपवित्रमासे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे दशमास्यां परमप्रतिपदायां शुभसंयमवासरे नक्षत्रयोः समवाये एवं ग्रहगुणा विशेषेण विशिष्टायां शुभमण्डलिनौ होत्रोच्चारः
अपना अपना गोत्र बोले, सभी का गोत्र होता है। सात सप्तर्षि हमारे शास्त्रों में है। आपका गोत्र यदि हमको कोई पता नहीं तो आपको काश्यप याद रखना है। जैसे सप्तर्षि है भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, ऐसे सप्तर्षि हमारे, हम सप्तर्षि आकाश में तारा दिखते हैं स्टार, वो सप्तर्षि में से हमारा जो गोत्र कोई नहीं, तो आपको सबको याद रखना है हमारा गोत्र है काश्यप। एक जगह पर लिख के रखना है, सबको बताना है हमारा काश्यप गोत्र है। काश्यप गोत्र उत्पन्न वेद प्रवर्शाकार सब आपका सबका सरनेम बोलिए, पहले आपका नाम बोलिए, माता पिता का नाम बोलिए, अपने अपने पूरे परिवार के बच्चे जितने भी हो, पुत्र हो पौत्र हो, सभी का नाम बोलना है। सपत्नी को सपरिवार हो यजमान हो, सभी को बोलना है अहम मम आत्मना श्रुति स्मृति विदोक्त पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल बल प्राप्ति अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थ मम पुत्र पौत्र आदि अविच्छिन्न संतति स्थिर लाभ उद्योगे दशविध शुभलक्ष्मी प्राप्ति अर्थम भगवान राधा कृष्ण दुर्गा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अनुकंपा प्रसाद प्राप्ति अर्थम अद्य महालक्ष्मी पूजन अहम हरि में जल छोड़ दो करिष्ये संकल्प सिद्धिरस्तु। प्रायश्चित संकल्प किया, मुख्य संकल्प प्रधान संकल्प किया, ऐसे तो शास्त्र में बताया कि भाई जब जब पूजा होती है तो गाय का गान भाई। पहले राजा महाराज थे वो इतनी गाय थी, गाय देने वाला दान गाय लेने वाला भी, चलो भी आज देने वाला तो भाई आपको दे दो, हम रखेगा इधर तो सब प्रॉब्लम तो है, वो सब इंडिया में हो सकता है बात ही। तो अंतर से हम दान तो ठीक, तो ठीक बात है, लेकिन हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हमारा पूरा शरीर पवित्र होकर दाएं हाथ की हथेली में जल चौक जल ले लो, जमुना आत्मा कड़ी में जल ले लो, गंगा जी का स्मरण करेंगे, यमुना जी का स्मरण करेंगे, नर्मदा जी का स्मरण करेंगे। हमारे शास्त्र में बताया गंगा गंगे जी हो भूया योजना नाम शतई रवि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। हजारों किलोमीटर हम दूर, सौ योजन हजारों योजन दूर होने से बावजूद भी हम इधर बैठकर जो गंगा गंगा शब्द बोलेंगे तो हमारी जो अग्नि में जल है वो गंगा जल हो जाएगा। उसका हम आचरण बातें करेंगे, गंगा जी का स्मरण करो, नमामि गंगे तव पाद पंकजा सुरासुरवंति तलिव्य रूपा भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नारायणा त्रिपदगामि महागंगाये नमः यमुनाये नमः नर्मदाये नमः। उसका आचमन कर दो पीजो जल हस्तम प्रक्षाल्य। आपके आगे एक कलश है, वो कलश को दोनों हाथ ऐसे रखाओ, वो कलश को तांबे का जो कलश है हाँ ऐसा उसको ऐसा हाथ दोनों हाथ का स्पर्श करो। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्रे जगमानो हविभिः अहेय आलो वरुणे हवोद्योषको समान आयुः प्रमोचीः। दो चावल लेकर उस नारियल पर दो चावल छोड़ दो। अपां पदये वरुणाय नमः अवयमिस्थापयामि
सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवतो दुहाचुर्ग नमस्कार करो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वते नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधे कुरु नमस्कारं समर्पयामि। भोली यहाँ भगवान के आगे प्रत्यक्ष अखंड दीप नारायण है। कर्म साक्षी हमारे जीवन में दो साक्षी, एक दीप नारायण और भगवान सूर्य नारायण। दीप नारायण दीप को प्रज्वलित करते हुए हम बोलते हैं असतो मा सत्यमय, असत्य से सत्य तरफ जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार को दूर होकर ज्योतिर्गमय प्रकाश, और मृत्यु मा अमृतम गमय, मृत्यु भी हमारा एक अमृत बन जाए। क्योंकि ऐसा है कि हमारा पूरा सुख बाल्यावस्था से लेकर युवा और वृद्धा और मध्यस्थ हम कई प्रकार के यज्ञ करते हैं, कई प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन मृत्यु में अमृतम गमय सभी को ऐसा होता है कि हमारा मृत्यु भी मंगलकारी हो। जितना जीवन हमारा जन्म मंगल है जैसा मृत्यु भी मंगल हो जाए वो कर्म के अधीन है। भगवान दीप नारायण को आज छोड़कर नमस्कार करेंगे। ओम शुभम करो कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीपत्रयुताय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। तो हाथ जोड़कर सूर्यनारायण भगवान को स्मरण करेंगे। कैलेंडर में जो सूर्योदय लिखा है उससे 5 मिनट पहले उठ जाना है। सूर्यनारायण सूर्योदय होता है सुबह में 7 बजे, हम उठते हैं 12 बजे। इससे हमको जीवन में दरिद्रता भगवान सूर्यनारायण की उपासना करने से हमारे जीवन में दरिद्रता दूर होती है। ये तांबे का कलश हो स्टील का कलश में जल को भरकर सुबह में स्नान करके पहले हमारे कर्तव्य बनता है भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दे। जन्मांतर सहस्रेशु दारिद्र्यम दो प्रचारयते, इस एक कलश का जल अर्घ्य देने से हमारे जीवन में दरिद्रता आती नहीं। तो कई लोग बोलते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तब उसको बोलते हैं पहले तो ये शुरू कर दे, ये तू शुरू कर देगा तो सब कुछ, क्योंकि शरीर में दरिद्रता आप इतनी आड़स की हमारे हैं हम उठे नहीं पाते। 12 बजे उठते हैं, 3 बजे खाते हैं और शाम पड़ जाते हैं, दिन पूरा हो गया। तो हाथ जोड़कर सूर्यनारायण भगवान का स्मरण करेंगे। हे सदा सवित्र मंडल मध्य वरदे नारायण सरसिदासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडल वाक्यीति हारे हिरणमय वपोत्र शंख चक्र। सभी बोलेंगे ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम मरीचये नमः, ओम सहस्रांशवे नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य के 12 नाम द्वादश नाम है। सूर्य के द्वादश नमस्कार सूर्य नमस्कार भी है, कई प्रकार के योगा में सब आता है। सूर्य नाम भगवान से प्रार्थना की नमस्कारं समर्पयामि। दो हाथ जोड़कर गणेश जी का स्मरण करेंगे। गजाननं भूत गणाधिशेषा कपेस्तजम्भो फलचारु भक्षणा उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं महागणेशाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश जी का स्मरण किया, गणेश जी की पूजा की, हम 4 आशीर्वाद भगवान गणेश जी के वहां देंगे। ऐसे तो गीता में बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमको ऐसा ज्ञान होने के बावजूद भी हमको कर्म करना है, लेकिन बाद में बोलते हैं भगवान हमको ये चाहिए ये चाहिए। जिसके पास
अब्बा जो रुपया करोड़ों रुपया होंगे वो भी कुछ न कुछ वहां भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करके बाद कुछ न होगा कि भाई हमको भगवान यही मिले। भगवान ईश्वर को सबकी पात्रता उसके पता है, किसको क्या देना है, किसको कब क्या देना है, समय का बहुत महत्व है। तो फिर भी हम गणेश जी की पूजा की, चार आशीर्वाद भगवान गणेश जी के लेंगे। सबको बोलना है निर्विघ्नम मम संसारम, निर्विघ्नम वाणिज्यम सदा, निर्विघ्नम धन पुत्र आदि गणेशस्य प्रसादतः। हम गणेश जी के पास चार आशीर्वाद प्राप्त किए। पहला हमने प्राप्त किया निर्विघ्नम संसार, हमारा पति पत्नी का संसार एक मन से एक मत से प्रसार हो। दूसरा आशीर्वाद लिया वाणिज्य व्यवस्था, हम जो भी करते हैं उत्तरोत्तम डेवलप हो। तीसरा आशीर्वाद लिया हमको सारा धन प्राप्त हो। और चौथा आशीर्वाद गणेश पुत्र, हमको पुत्र की प्राप्ति हो। चार आशीर्वाद भगवान गणेश जी का भी प्राप्त किया। नमस्कार समर्पयामि। एक चम्मच भी जल रखो दाया से। अनेन यथाशक्ति यथा भक्ति यथा गृहितम उपचार द्रव्यैः पूजनम अर्चन कृतेन सांघस्य सपरिवार सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति प्रियता। थाली में जल छोड़ दो। नमः। हाथ में फूल चावल रखो, आपके आगे सुपारी रखी है। प्रथम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जी का स्मरण करना है। सभी को बोलना है ओम ऐं नमः। ये काली का मंत्र है, बीज मंत्र। हमारे शास्त्रों में बीज मंत्र बहुत ज्यादा है, उसे एकदम लघु मंत्र जिसको बोलते हैं छोटा मंत्र। तो हम पहले ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः मंत्र का पाठ करेंगे, काली का स्मरण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः महाकाल्यै नमः महाकालेभ्यायामि चिन्तयामि। दूसरा भी मंत्र आपको पढ़ना है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी ध्यायामि चिन्तयामि। तीसरा मंत्र ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम सरस्वत्यै नमः ऐंद्रिय चामुंडाय विच्चे सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय नमः। तो सुपारी रखी है उसी पर चढ़ा दो। आवाहयामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरोपचारवाणी समर्पयामि। वो सुपारी अपनी थाली में ले लो। थाली में अपनी सुपारी लेकर 3 बार चम्मच जल जल चढ़ा दो। 3 चम्मच जल चढ़ाओ। ओम महालक्ष्मी नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः वर्ह्यं समर्पयामि मुखकमले आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्थानं समर्पयामि। वो सुपारी शुद्ध जल करके जहां पहले रखी थी वही वापिस मार दो। शुद्धोदकस्थानं समर्पयामि पेपर है वहां से पूछकर माता जी को वही स्थापित करो। आपके आगे बोली रखी है वो लेकर सुपारी पढ़ दो। सर्वभूषाधिवेशम्भे लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वासति प्रतिह्रियता। आपकी थाली में चंदन और कुमकुम दिया होली है, थोड़ी एक एक आधे चम्मच जलकर करो। फिर माता जी को ऊपर टीका लगाओ, पहले चंदन का फिर कुमकुम लगाओ।
ॐ इदग्धो महावे प्रजनरम्भे अस्तु दशवे यज्ञो सर्वगणकृतमस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोकसन्यभय सनि अग्ने प्रजा बहुलाम्बे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता फसलो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। आगे रख दो एक चम्मच जल भरकर नाम कर दो जले न प्रदर्शनी कुटिया देवता अभिमंत्रणा। आप दो हाथ कर भगवान पहले आती दो फिर आप आती ले लो अस्ताभ्य आत्मवंदना चक्षुर्वंदना हस्तम प्रक्षाल्य। नमस्कार करो नाना सुगंध पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर चरणकमलयोर्मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। भगवान की लाश में स्तुति करेंगे नमस्कार करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मत्समा पापी नास्ति पापमी तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु नमस्कारान् समर्पयामि। एक आसनी जल रखो चम्मच से जल रखो अरे सभी लोग बोलो अने न यथा शक्ति महालक्ष्मी पूजन अर्चन हृदयेन भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जगदम्बा दुर्गा देवी प्रियता। थाली में जल छोड़ दो नमः। फिर से चम्मच जल रखना है उस चम्मच पर वो जो फल लाए हो वो फल रख दो। हाँ रखो चम्मच के ऊपर रख दो। हाँ रखो सभी लोग बोलो फले न फलितम तो यम फले न फलितम धनम फल अर्घ्य प्रदानेन गृहाण परमेश्वरी। माँ मैया दुर्गा मैया से लक्ष्मी भगवान हनुमान जी से सभी हमारे संचालक देवताओं की प्रार्थना करेंगे। इनम फल मया देव भगवान एक फल को अर्पण करते हैं आपकी कब पूरी दस्तव आपके आगे रखते हैं में सफला आपकी उस फल को सफल करते हुए भवे जन्मनि जन्मनि हमको जन्म जन्मांतर में अच्छी फल की प्राप्ति हो। ये फल जो रखते हो वो फल ही आपको प्रसाद के बाद में वापस ले जाना है याद रखना है स्थापना में अभी रख दो ताकि आपको फल के प्रसाद में ले जाना है। फल हमारे के प्रदान नमस्कार समर्पया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय अम्बे माता की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय रमापति रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय गजानन गणपति महाराज की जय सब संतन की जय अपने अपने माता पिता की जय गायत्री माता की जय सावित्री माता की जय सरस्वती माता की जय सदगुरु देव की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यह पूजा अपनी परिपूर्ण हुई है।